आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी, हर खबर देश हित में। मध्य प्रदेश में जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा, वैसे ही प्रदेश की राजनीति में काफी उथल फुथल हो गया है। कुछ नाराज नेता और कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पार्टी छोड़ने का सिलसिला कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़ी पार्टियों में जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो लंबे समय से पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे और आज भी पार्टी के लिए मेहनत करने का दम रखते हैं, न कि पार्टी छोड़कर बगावत करने का। हाँ, अगर पार्टी से कोई नाराजगी है तो उसे समय समय पर जाहिर करने का हौसला भी दिखाते रहते हैं और पार्टी के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराते हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी, जो कि देवास जिले से लगातार 3 बार भाजपा के विधायक रहे, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके पिता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी थे। दीपक जोशी से ग्लोबल इंडिया टीवी के स्टेट हेड अमर वर्मा ने खास बातचीत की, तो क्या कुछ कहा जोशी ने, आप भी देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अमर वर्मा, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। ग्लोबल इंडिया टीवी पर आज खास बातचीत करेंगे देवास से। देवास से हमारे साथ मौजूद है दीपक जोशी जी। दीपक जोशी जी 3 बार विधायक रहे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, उनसे हम बात करेंगे, कई तमाम सवाल पूछेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार में जो उथल पुथल हुआ है, भविष्य दांव पे लगा हुआ है, तो कई के उज्ज्वल भविष्य दिखाई दे रहे, इसी पर चर्चा करेंगे हम दीपक जोशी जी से। जोशी जी, ग्लोबल इंडिया टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार, आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है, क्या वजह है? संगठन की मजबूरी है या अभी सत्ता का दबाव है? नहीं, देखिए मनुष्य का स्वभाव होता है और राजनीति में कोई भी महत्वाकांक्षा के बिना नहीं आता। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई महत्वाकांक्षा होती है। क्योंकि मैं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण राजनीति में आया हूँ ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन वो बात सत्य नहीं है। कारण कि मैं एक घटना के कारण राजनीति में आ गया था। जब मैं कॉलेज में, हमजो कॉलेज जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उस समय कॉलेज हुआ करता था सरकारी तात्कालिक रूप से, उसमें जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया था, तो मुझे कुछ कांग्रेसी लोगों ने इसलिए रैगिंग ली थी कि मैं जनसंघ या बीजेपी के नेता का लड़का था, और मुझे वहाँ पर मारा गया। मारने के बाद मुझे कपड़े फाड़ दिए थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सोचा कि एक न एक दिन इसी कॉलेज में जिस जगह पे बैठकर उन्होंने रैगिंग ली, उस जगह पे बैठकर मैं इनका हिसाब भी करूँगा। और कहीं ना कहीं भगवान के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के, माता पिता के आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से मैंने वो मुकाम हासिल भी किया। मैं 1984-85 में हमीदिया कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। उस समय बीजेपी के बहुत कम लोग छात्र राजनीति में इस मुकाम पर होते थे जिस मुकाम पर मैं पहुँचा था। इस नाते से मुझे लगता है कि मैं परिवार के साथ साथ राजनीति में आने का उस घटनाक्रम का बहुत बड़ा योगदान है। बाद में चूंकि पिताजी का नाम, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को ऐसा नाम नसीब हुआ कि जिसको कि बहुत सम्मान के साथ उनके साथ मुख्यमंत्री भी रहे, उनके साथ के लोग नहीं विपक्ष के लोग भी लेते हैं, तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं उनके साथ रहा। मैं लगभग 8-9 साल छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। छात्र राजनीति में सक्रिय रहते मैंने भोपाल में हमीदिया कॉलेज के साथ साथ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के सीनेट महासभा के सदस्य के रूप में, कार्यपरिषद के सदस्य के रूप में पहली बार भाजपा के सदस्य के नाते प्रवेश किया था, जो निर्वाचित रूप से आते थे। लगातार ये काम करने के बाद मैं पार्टी के विद्यार्थी मोर्चे का प्रदेश का संयोजक रहा, विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, फिर युवा मोर्चे में लगातार मैं 1985 से ही 2000 तक सक्रिय रहा, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा। बाद में मैं 2002 से 2004 तक प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। 2003 में मुझे पार्टी ने बागली से टिकट दिया, मैं वहाँ से विधायक निर्वाचित हुआ। 2008 और 2013 में हाटूपिया से निर्वाचित हुआ। ऐसे दृष्टिकोण में एक लंबा काम मैंने भी राजनीति में कहीं ना कहीं किया था, और उस समय मेरी कोशिश रही कि मैं पिता की छवि से अपने स्वयं की छवि बनाने का प्रयास करूँ। और मुझे जहाँ तक याद है कि अभी 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस आएगा, उस दिन के लिए मैं जितना बड़ा काम मैंने किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि राजीवीपी में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो हमारे प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है, वहाँ पर हिंदी में परीक्षा होगी, ये फैसला मैंने लिया था और वो फैसला आज भी सतत रूप से जारी है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि मेरे पास है, बहुत गौरवशाली परंपरा के साथ मैं इस पृष्ठभूमि को लेकर जी रहा हूँ। लेकिन ये कहना कि मैं कहीं ना कहीं परिवारवाद की परंपरा से आया हूँ, वो ठीक नहीं होगा। जोशी जी, आपने इतना लंबा सफर तय किया है राजनीति में, तो अचानक एक पैराशूट की तरह मनोज चौधरी जी आ गए हैं, तो इससे आपका भविष्य कितना, राजनीतिक जो करियर है वो कितना दाव पर है?
नहीं देखिए, राजनीति को हमेशा पक्ष से लेकर जोड़ा नहीं जाना चाहिए। राजनीति में सम्मान एक बड़ा चीज होता है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं राजनीति में एक खिलाड़ी भावना से आया हूँ, और खिलाड़ी की भावना के रूप में काम करने के लिए ये नहीं होता कि मुझे पद ही चाहिए, लेकिन पद के साथ साथ एक सम्मान जो होना चाहिए उसको बनाने का काम भी संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से लगातार होता है। तो मेरा यही कहना था कि आप अगर किसी नीति के तहत ये आया है कि हम कुछ लोगों को पार्टी मिलेंगे, उनके साथ हम सरकार बनाएंगे, सरकार के बाद उनको विधायक पद देंगे, मंत्री पद देंगे, ये पार्टी का अपना निर्णय है, और मेरे ख्याल से अच्छा बुरा देखने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। तो हमारे पार्टी के लोगों ने निर्णय किया तो कुछ ना कुछ पार्टी को भला को देखते किया होगा, लेकिन सम्मान की लड़ाई कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो लड़ने की शुरुआत की उसे आप बाद में देखें कि बहुत से लोगों ने भी कहीं ना कहीं जोड़ा, चाहे वो सम्माननीय भैरव सिंह जी शेखावत हो या रुस्तम सिंह जी हों या अनूप मिश्रा जी हों, कहीं ना कहीं ये मुझसे बड़े नेता, मुझसे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन इनको भी लगा कहीं ना कहीं। तो हमारा यही कहना है कि पार्टी संगठन को अगर ये बात करना थी तो थोड़ा सा निर्णय के पहले हमको बता देना था, अगर नहीं बताना था, कहीं एक रणनीति थी तो उसके बाद सबसे पहले हमारे माध्यम से होता। जैसे कि हाटिया क्षेत्र में मैंने सबसे पहले कहा कि पार्टी से जो सारा मेहता कि मनोज चौधरी हमारे प्रत्याशी होंगे, तो हमारा एक जो भाव कहीं ना कहीं हमारे साथ एक कार्यकर्ताओं की लंबी टीम बनी। और आपको याद होगा कि ये सब परंपरागत रूप से कांग्रेसी है, आप 50 साल से जिन कांग्रेसियों से हमारे कार्यकर्ता लड़े, आज उनके साथ जो लोग विधायकों के साथ जो लोग आए, उनका हमारे कार्यकर्ताओं को सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी भी नैतिक रूप से हमारी है। और इस टकराव को में अगर उनको महत्व मिलता है तो दिल में कहीं ना कहीं चोट लगती है, और उसके कारण से अक्सर ये बातें आती है कि हम नाराज हैं, हम कहीं ना कहीं पार्टी से खिन्न हैं। पार्टी से नाराज होने का सवाल नहीं उठता, पार्टी की कार्यप्रणाली से एक बार कहीं ना कहीं मन हाथ होता है तो उसको पार्टी तक पहुँचाने का हम प्रयास करते। अब उसकी भाषा अगर ऐसा हो जाती है जिससे नाराजगी जाहिर होती है तो मेरा नहीं मानना कि इसको कहीं ना कहीं संज्ञान में लेना चाहिए। तो अभी भी आप फिर भी पार्टी के साथ हो, मनोज जी का मतलब जो चुनाव उपचुनाव में सहयोग करेंगे? नहीं, वो तो मनोज चौधरी जी के साथ पहले दिन से, जब पार्टी ने पहली बैठक बुलाई थी उसमें मैं स्वयं जाके मैंने खुद ने कहा था कि पार्टी से जो इशारा मिल रहा मनोज चौधरी हमारे प्रत्याशी होंगे। तो इस नाते से मनोज चौधरी के साथ जो बैठकें हो रही, पार्टी संगठन द्वारा जो बैठकें हो रही, वो भी हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ले रहे हैं। अभी शायद संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, उसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में आना जाना भी है, और इसी दृष्टि से है कि पार्टी के प्रत्याशी को अधिक मतों से विजय प्राप्त हो। तो सी जी, जैसे कि अभी एक ऐसा आपके सामने खेल है कि जहां बैटिंग भी आपको करना है, बॉलिंग भी आपको करना है, फील्डिंग भी आपको करना है, और मैच को और जीत रहा है, क्योंकि आपने खिलाड़ी का जो जिक्र किया है उस पर मेरा एक सवाल है। नहीं देखिए, अगर एक परिपक्व राजनीतिक के सामने प्रश्न होता तो हम तो यही कहेंगे कि अगर हमारे सामने हमारा कोई युवा साथी बन के आता तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आज हम कहीं ना कहीं खिलाड़ी के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में आ सकते हैं, तो प्रशिक्षक के रूप में हम कोशिश करेंगे कि भाई मनोज चौधरी पहली बार विधायक बने, उनको सहयोग दें, प्रशिक्षण के रूप में कैसे एक अच्छे कार्यकर्ता के साथ मिलकर हम पार्टी के निर्माण को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि ये पार्टी बहुत चार चपक्षा बलिदान से बनी है। 1991 लोगों ने इस पार्टी को बनाया था, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। मैंने बहुत नज़दीक से इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करते देखा है, ना उन्हें बहुत सी कुर्बानियाँ, बहुत से घर उजड़ गए, उसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं सतत रूप से राजनीति में काम करते आ रहे हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में लगता है कि जो मनोज चौधरी जी को विजय बनाने के लिए प्रयास हो सकता वो करने का हम उज्ज्वल मन से, क्योंकि एक से खड़ा होना की भूमिका नहीं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के रूप में, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका देते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे। और हम यही नहीं, जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ आदेश देके वहाँ हम काम करेंगे। एक ये मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की जो इस्तीफा देकर आए हैं भाजपा में, उनके साथ तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनकी बाढ़ आई है, उनकी विचारधारा और भाजपा की विचारधारा मतलब क्या मेल खा पाएगी, या किस प्रकार से आप देखते हैं इनको? नहीं देखिए, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता जो है कहीं ना कहीं एक साधन का रूप में काम करती है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े फैसले, धारा 370 हटाने का मामला हो, राम जन्मभूमि का मामला हो, CA का मामला हो, ये सब मामले पार्टी ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित में किए। और भारतीय जनता, भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खाती, क्योंकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के अनुसार चलना पड़ता है, जो पार्टी हाईकमान का आदेश होता है उसका पालन करना होता है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका एक अलग उनकी विचारधारा होती है, ये विचारधाराओं को किस अलग सामंजस्य कर पाएंगे? नहीं देखिए, वो कार्यकर्ता नए हैं, हमारे कार्यकर्ता परंपरा रूप से काम करते आए, ऐसे दृष्टिकोण में कार्यकर्ताओं की संख्या दृष्टि से हमारी कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा, जो पुराने काम करते आ रहे, नए लोग कुछ संख्या में आ रहे, उस संख्या में काम करने वाले, जैसे घर में कोई नई वधु आती है
परिवार के उसमें परिचालन में कहीं ना कहीं अपने आप को फिट कर लेती। तो ऐसे दृष्टिकोण से यहाँ भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो कार्यकर्ता आए हैं वो इस नए हमारे परिवार में जो उनको नया परिवार लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी भावनाएं थी काम करने की, देश के साथ जुड़ने की, तो भावना तो लगभग उनकी बराबरी थी। तो भावना के अनुरूप वो काम करने आ रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ियाँ होगी तो पार्टी संगठन उसको ठीक भी करती है, मतलब एडजस्ट हो पाएंगे। हाँ, लगभग एडजस्ट हो जाएगी। दीपक जी, ऐसा मतलब जिस प्रकार से जो 22 विधायक आए हैं सिंधिया समर्थक, ऐसे कई जगह कुछ भाजपा के पुराने लीडर थे जो लंबे समय से आपकी तरह मतलब सक्रिय थे राजनीति में, उनका भविष्य दाव पर है, इसको आप किस तरह से देखते हो? नहीं, क्योंकि भविष्य, मैंने कहा ना, सिर्फ विधायक के मंत्री पद से भविष्य नहीं होता। पार्टी में काम कहीं ना कहीं मिलता है कार्यकर्ताओं को, और भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से रहा ही है कि हर आदमी को कोई ना कोई काम मिलता है। ऐसे दृष्टिकोण में मुझे भी कोई ना कोई काम मिलेगा। जी, आपका राजनीतिक करियर, अब आप क्या सोचते हो? अगर मनोज चौधरी जी को विधायक टिकट मिलता है तो स्वाभाविक है भाजपा का मतलब बैनर है तो स्वाभाविक है जीत भी होगी, है ना, या हो सकती है। तो उसके बाद उनका विधायक बनने के बाद मंत्री जो भी उनको मिलना है, लेकिन उसके बाद आपका भविष्य कैसा रहेगा, वो क्या देखते हो? नहीं, देखिए, करियर के साथ साथ जो बातें आती है, मेरी पृष्ठभूमि है, कहीं ना कहीं ऐसा नाम जुड़ा मेरी पृष्ठभूमि के साथ जो भारतीय राजनीति में बहुत कम उज्ज्वलता के साथ प्रदर्शित होते हैं। सबसे पहले उसे बनाए रखने का काम मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और क्योंकि उनका पुत्र हूँ इस नाते से मेरे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि पदों से ही राजनीति को पूरा नहीं किया सकता, कामों से भी पूरा किया सकता हो सकता है। राजनीति में अगर काम नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से काम करने की हमारी संभावना है, और उन संभावनाओं को देखते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी मेरे पिताजी के बाद हमने कोशिश की कि जो उनका जनजाति बाहुल्य क्षेत्र रहा है बागली, वहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से हम नौजवानों को आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ने के लिए तैयार होने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। उनका एक स्मारक घाट में बन रहा है। तो इन सबको जोड़ते हुए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, एक कार्यकर्ता का भाव लेते हुए, कहीं ना कहीं समाज में जो एक विचारधारा को लेकर उन्होंने काम किया, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वैसे जी, एक मेरा आखिरी सवाल है कि पिताजी CM रहे मध्य प्रदेश के, आदि मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रहे, बिल्कुल सिंपल स्वभाव आपका, ऐसे ही सिंपल, इस पर ऐसा क्या राज है? नहीं, देखिए, हमारे पिताजी ने शुरू से कहा है कि हमको अपने आप को जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ जनता से जुड़ा होने के लिए जनता जैसा दिखना चाहिए। उनकी हमेशा से रहा है कि जितना उनके पास रहा उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके समाज की कैसे सेवा कर पाए। राजनीति में ये जरूर होता है कि कोई व्यक्ति कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पहुँच जाता है, लेकिन हमारे पिताजी ने उस परंपरा का कभी पालन नहीं किया। उन्होंने हमेशा, उनके पास सिर्फ देवास में 1-3 कमरे का मकान रहा जो 50 साल की उनकी राजनीति जीवन में है। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रश्न चिन्ह भी राजनीति में देखे गए हैं कि राजनेता अगर मेहनत से काम करे, क्योंकि वो चुनाव वो भी हारे, पद पे वो नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी काम करके कार्यकर्ता के रूप में काम किया। हमारी भी कोशिश उनकी यही है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम समाज की सेवा अपने संसाधनों के साथ साथ जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन आते हैं उनके माध्यम से कैसे कर पाए। लेकिन संसाधनों को जुटाने के लिए कोई गलत तरीका आप नहीं अपनाए, क्योंकि आज राजनीति में जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम देख रहे हैं कि आज राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ राजनेताओं पर तेजी से विश्वास जनता का उठता जा रहा है। तो ऐसे दृष्टिकोण में जनता का विश्वास बनाए रखने का काम राजनीतिक पार्टी को और राजनीतिक नेताओं को करना चाहिए, और वही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात होगी। अभी ये घटना मध्य प्रदेश के संदर्भ में ले या अन्य दल बदल के संदर्भ में ले, जनता इसे ठीक नहीं मानती है। तो क्या हम इन संदर्भों से बच सकते हैं? क्या इस प्रकार की बातों से हम अलग हो सकते हैं? इसको करने का प्रयास अगर होगा तो जो कथनी करने का अंतर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आ गया कि नेता कहते कुछ है करते कुछ है। मेरे पिताजी ने जो कहा वही करा, और इसी कारण से लगातार 8 बार बागली जैसे क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। बड़े बड़े लोग उनके सामने लड़े थे, लेकिन पैसा के जागे उनकी ताकत, उनका जो काम था वो कहीं ना कहीं काम आ गया। उनका आत्मबल था जो ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करने का था, वो आत्मबल के कारण ही आज हमारी भी कोशिश रहती कि हम इस ग्लैमर की राजनीति में, जब लोग कहते हैं कि आप तो बिल्कुल सिंपल रहते हो, क्या मतलब है? तो हम कहते हैं कि सिंपल रहने से ही आपके बीच आ गए, नहीं तो नहीं रहते तो हो सकता है आपकी हमारी दूरी बढ़ जाती। तो आज साधारण रहने के लिए जनता के बीच जाने का अधिकतम मौका मिलता है। शायद इसी पूरी कोशिश होती कि जैसी जनता ने हमको पहली स्थिति में देखा था आखिरी स्थिति में वही देखे। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। तो ये थे हमारे साथ दीपक जोशी जी, जो पूर्व में शिक्षा मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, उनके पिताजी CM रहे, लेकिन उसके बाद भी सादा जीवन, उच्च विचार की जिंदगी जीते हैं। कैमरा में दिनेश के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया, मध्य प्रदेश।